नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। आप सभी बिहार वासियों को प्रणाम करता हूं। कोरोना का बहुत आतंक है चारों तरफ। डरने की और आतंकित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन संक्रमण से बचने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया कह रही है कि कोरोना का एक ही इलाज, घर में रहो, बच के रहो, एक दूसरे को छुओ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, बस यही इलाज है और कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कुछ भी नहीं। हो गया तो कुछ भी हो सकता है, हो ही नहीं, और हो ही नहीं उसका एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग। इसीलिए लॉकडाउन है, घर में रहिए, बच्चों के साथ रहिए, बहुत इमरजेंसी हो सब्जी राशन लाने के लिए एक आदमी निकले, मोटरसाइकिल से नहीं, पैदल, और मोटरसाइकिल पर अगर कहीं दूर जाना पड़े पास लेकर, और दो आदमी तो हरगिज नहीं। और पुलिस के आदेश का पालन करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस जो आपसे हाथ जोड़ करके बोलती है, प्रार्थना करती है, विनती करती है, हम बार बार हाथ जोड़ जोड़ करके बिहार के 12 करोड़ लोगों से, हिंदू मुसलमान से, ईसाई, हर जात, हर कौम, हर मजहब, हर दल, हर संप्रदाय, सब लोगों से कह रहे हैं, भाई ये लड़ाई जात की नहीं है, मजहब की नहीं है, धर्म की नहीं है, भाषा की नहीं है, प्रांत की नहीं, ये तो देश से भी ऊपर पूरे मानवता के खिलाफ कोरोना का संघर्ष है, पूरी मानवता पर संकट है, पूरे इंसान को एकजुट होना है और ये लड़ाई लड़नी है। और लड़ने का एक ही तरीका है, कहीं भीड़ नहीं, कहीं भी कोई तमाशा नहीं, अनावश्यक घर से बिल्कुल नहीं निकलना है, घर में रहना है। सभी इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, आपातकालीन सेवाएं चालू हैं, सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है और रख रही है कि कोई भूखा ना रहे, किसी को तेल, पानी, सब्जी, राशन और गैस की दिक्कत ना हो। लेकिन एक ही उपाय है, कई देश तो बहुत लंबे समय तक के लिए बंद हो गए, हमारा तो बहुत छोटा समय है, हम अगर संभाल लेंगे अपने को, इस बिहार को बचा लेंगे तो ये देश भी बचेगा। मानवता की सबसे बड़ी सेवा यही है। पुलिस वालों से कहीं झंझट मत कीजिए, स्वास्थ्य कर्मी से कहीं झंझट मत कीजिए, वो सब आप अपनी जान हथेली लेकर के आपकी सेवा में लगे हैं। हमारे लाखों लाख सब सिपाही से लेकर अधिकारी तक आपके लिए अपनी जान हथेली पर ले करके और घूम रहे हैं रोड पर, आपके लिए लॉकडाउन है, उनके लिए तो रोड पर काम करना है, आप सोचिए। तो मैं हाथ जोड़कर पुनः आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, इस बीच में कुछ लोग मजहबी नफरत भी फैलाने की कोशिश अगर करें तो उनको भी इग्नोर कीजिए, और हम नहीं इग्नोर करेंगे, हम तो एक एक सोशल मीडिया के पोस्ट पर नजर रख रहे हैं, जो भी बदमाशी कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, गुंडा रजिस्टर में उनका नाम चढ़ा रहे हैं, वो अपना जिंदगी और अपना भविष्य बर्बाद खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि अब कभी भी उस इलाके में कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव होगा तो सबसे पहले उनको उठाया जाएगा, सबसे पहले उन पर मुकदमे किए जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा जो इस दौरान किसी तरह की नफरत फैलाने वाली बात किए होंगे या प्रोवोकेटिव कोई पोस्ट किए होंगे, फेक पोस्ट किए होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनको भी मैं होशियार करता हूँ। पुलिस का सहयोग कीजिए, इसी में हम बचेंगे, आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, समाज बचेगा, बिहार बचेगा, देश बचेगा, पूरी दुनिया बचेगी। इतने ही कहने के लिए मैं आपके सामने आया, आप सभी को मेरा बहुत प्रणाम, आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, 98-99% लोग सहयोग कर रहे हैं, 1% ऐसे लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं रोड पर, तो मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि नहीं सुधरिएगा पुलिस आपको सुधार देगी।